हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आज फ्रेंड देख सकते हो ये है क्या चीज़ है, देख सकते हो हैनीवल थर्मोस्टेट। और आज हम जानेंगे इसकी वायरिंग स्टेप बाय स्टेप और कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो ये रहा इसका कंट्रोलर और ये रहा इसका पीछे का कनेक्टर। तो कनेक्टर आपको पता ही है, इसको ऐसा निकालना है और इसको लगा देना है। और आ जाते हैं मेन इम्पोर्टेंट जो है इसकी वायरिंग, और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। और ये देख सकते हो अभी जो हमारे पास है ये 220 का है, ये 220 वोल्ट का है। तो अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड ये जो हमारा एक नंबर पे ये हमारा जो यल लिखा हुआ है इसमें आएगा हमारा फेस, और सेकेंड नंबर में जो हमारा सी एच है जहाँ पे पावर ऑफ करने का पोजीशन काम रहता है वहाँ पे इसको लगाते हैं सी एच में, यानी जो हमारा एक्टिवेटर है। ये चिल्लर एसी में ज़्यादा यूज होता है, बाकी नॉर्मल एसी में ये तीन नंबर का यूज होता है। तीन नंबर हमारा वाई और डब्ल्यू जो है बना हुआ है ये हमारा कॉमन का काम करता है, जिससे हमारा कंप्रेसर ऑन होता है और जब कूलिंग हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड अगर क्या होता है ये सी एच जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सी एच में कंटिन्यू पावर रहता है। अगर आपका जब इसको ऑन करेंगे तो सी एच में हमेशा पावर रहेगा, और जब हमारा एसी ऑन होएगा तो ये पावर डब्ल्यू और वाई यानी हमारा जो तीन नंबर में उसमें चला जाता है। तो इससे ये हमारा कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। और अभी आते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर जो हमारा फ्रेंड यन लिखा हुआ है, तो यन हमारा ये बताता है कि हमको इसके अंदर न्यूट्रल वायर लगाना है। और वायर लगाने के लिए फ्रेंड देख सकते हो इसमें स्क्रू दिए हुए हैं, टेस्टर की मदद से आप खोल सकते हो फिर वायर लगा के टाइट कर सकते हो। तो अभी हमने इसका न्यूट्रल का भी जान लिया है, और अभी हम बात करते हैं जी एच यानी हमारा जी एच का मतलब होता है फ्रेंड, जी का मतलब होता है फैन और एच का मतलब होता है हाई। तो यानी जो हमारा हाई का जो मोटर रहेगा, मोटर जो हमारी जो हाई का वायर रहेगा वो इसके अंदर लगेगा। और अभी आते हैं सिक्स नंबर पे, जी एम लिखा हुआ है यानी हमारा फ़ैन मीडियम, यानी हमारा जो फ़ैन का जो मीडियम वायर रहेगा वो इस छः नंबर पॉइंट पे लगेगा। और आ जाते हैं सात नंबर पे, तो सात नंबर पे फ्रेंड हमारा जो जी आई लिखा हुआ है, सॉरी जी एल लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारा वायर लगेगा लो वायर। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये उल्टा स्टार्ट हुआ है, यानी लो मीडियम हाई न्यूट्रल कॉमन पावर ऑन और ये पावर का। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है। और ये जो आठ और नौ नंबर देख रहे हो फ्रेंड ये हमारा सेंसर का वायरिंग है, इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और ये आठ और नौ नंबर उसमें लगेंगे, ये हमारा सेंसर का काम करता है। तो फ्रेंड मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वायरिंग किस तरह से करते हैं। और अभी हम आ जाते हैं इसका पैनल पर। तो अभी ये ऑफ पोजिशन में है, तो अभी हम इसका ये जो आप देख रहे हो इससे हमारा क्या थर्मोस्टेट ऑन होता है, और ये जो फ़ैन बना हुआ है इससे हमारा फ़ैन का लो मीडियम हाई और ये ऑटो का काम करता है। और ये जो पावर के नीचे बटन है इससे हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं, कूल पे, वेंट पे और हीट पे। तो इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तीर बना हुआ है इससे आप टेम्परेचर को अप डाउन जिस पोजिशन में करना है कर सकते हो। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।